गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज कुमार सब शर्मा आप सबका इस एग्जाम्पल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने नए क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर, जो हमारे प्रीवियस इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन बनाए हैं। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे आज मैं टारगेट लेके चला हूं, मैं 30 क्वेश्चन आपके साथ कराने वाला हूं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं 30, लेकिन मैं ये चाहूंगा इन 30 क्वेश्चंस में जो बच्चे इस समय ऑनलाइन आ चुके हैं वो अपना आंसर, मतलब कितने क्वेश्चन इसमें से खुद सही कर पाते हैं, उस उनका मतलब ये कितने किए आपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना का 30 में से आपने या 25 में से कितने क्वेश्चन अपने आप मेरे बताने से पहले ही सही कर लिए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अपना असेसमेंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि यदि हम कहीं गलती करते हैं तो हम सुधारने का भी हम गुंजाइश रहे। कई बार आंसर हमें पहले ही पता चल जाता है तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, हाँ मैं तो यही करने वाला था। तो आप लोग सभी जो भी बच्चे हमारे इस समय हैं, सभी को फिर से गुड इवनिंग, और वो सभी विद्यार्थी अपना एक कॉपी पेन लेकर ही बैठे, ठीक है, जिससे कि फर्स्ट का ए बी सी डी जो भी हो तो हम एंड में 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए तो वो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी विद्यार्थी आप में से है तो फिर से मैं आप सभी को सभी का स्वागत करता हूं, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, जैसे ये स्टार्च और सेलुलोज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल लिया है स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। पहला है ये दोनों पौधों के उत्पादक हैं, ठीक है, दोनों ही पौधे बनाते हैं, स्टार्च बनता है पौधों में, सेल्यूलोज का तो सेल वॉल से लेकर के पौधे का अधिकांश भाग, लकड़ी का जो भी भाग है सब सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ये तो ठीक है, बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर, दोनों ही पॉलीमर हैं, दोनों ही पॉलीमर। तीसरा है दोनों आयोडीन के साथ रंग देते हैं। फोर्थ है दोनों ही ग्लूकोज के अणुओं से बने होते हैं। अब इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग है, तो एक रॉन्ग होगा इसमें से। अब इसमें से ये तो मैंने बता ही दिया ये दोनों पौधे के उत्पादक हैं, अब इसमें से हमें रॉन्ग कौन सा है वो इसमें से सेलेक्ट करना है। तो मैं बताता चलता हूं, आपने इतने में सोच लिया होगा, जवाब भी देना शुरू कर दिया होगा बच्चों ने किसी ने, बिल्कुल विवेक त्यागी, विवेक नेगी ने बहुत सही जवाब दिया है, और शिवली का भी आ गया, करण का भी आ गया, बिल्कुल सही। ये गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट, क्योंकि दोनों पॉलीमर है, बहुलक है, दोनों बहुलक है, ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। स्टार्च के अंदर ग्लूकोज के अणुओं की संख्या लगभग 3000 से 5000 अणु मिलकर स्टार्च का एक अणु बनाते हैं। सेलुलोज के अंदर 5000 से 8000 ग्लूकोज के अणु मिलकर सेलुलोज बनता है, संख्या ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एवरेज यही निकल के आता है। इसका 3 to 5000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। कुछ गड़बड़ है क्या?
नहीं आ रही। हेलो अब, हेलो अब देखो शायद आ रही हो। विच मेटल इज प्रेजेंट, कौन सी धातु में इंसुलिन है इसमें से? ये है जिंक, जिंक है। ठीक है बच्चों, तो ये विच मेटल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, तो जिंक का इसका जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉज डायबिटीज इन ए पर्सन, इसका जवाब भी आप सब दे दोगे, इसका सब जवाब दे दोगे। लैक ऑफ विच सब्सटेंस हेलो, हाँ तो आप समझ गए इसको, तो इसका जवाब भी आप सभी समझ ही गए होंगे क्या है, कि डायबिटीज इंसुलिन इसका जवाब है, इंसुलिन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इस चारों में से पादप हार्मोन कौन सा है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है 2015 यूपी लोअर सबॉर्डिनेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, प्लांट हार्मोन थायरोक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इंसुलिन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो ये हम देखकर ही समझ जाएं कि इसमें से एनिमल हार्मोन कौन सा है, बस वो तो होने प्लांट का, तो प्लांट का हार्मोन है ये साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। ओके, तो ये इसका जवाब होगा, साइटो बिल्कुल सही है, बी जवाब होगा इसका। आप सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ऐसे ही देते रहना जवाब। आज हम देखते हैं किस 30 में से कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, आप भी बताओगे ऑफलाइन कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है से थोड़ा पुराना, 94 में पूछा गया था ये बिहार पीसीएस में। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, ऐसे भी पॉपुलर क्वेश्चन है इसको हम मतलब एक एनिमल्स में तो बनता ही बनता है, कौन सा प्लांट है जो इंसुलिन पैदा करता है, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज प्लांट प्रोड्यूस इंसुलिन, ये इंसुलिन पैदा किससे होता है? अदरक से होता है, डहेलिया से होता है, बालसम से होता है, आलू से होता है। ये है डहेलिया की जड़, इससे इंसुलिन पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और संग्रहित हो जाता है। जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन, है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर्ड इन, कहां पर संग्रह हो जाता है? हमारा जितना भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमें ग्लूकोज मिलता है ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बहुलक है। अब ये बॉडी के किस ऑर्गेन में स्टोर होता है? स्टमक में होता है? नो। पैंक्रियाज में होता है? नो। बाइल में होता है? नो। लिवर में होता है? यस। लिवर के अलावा एक और जवाब है इसका, मसल्स में। इसमें स्टोर होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं या हम कहें फास्टिंग पे आ गए, हमने व्रत रख लिया, या हमें किसी भी बीमारी या किसी के कारण भी हमें खाना नहीं मिल पाया, तो ऐसी स्थिति में लिवर यानी यकृत और पेशियों में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये हमें ग्लूकोज देता रहता है, जिससे हम जिंदा बने रहते हैं।
जब ये खत्म हो जाएगा देन फिर फैट का नंबर आता है, फिर प्रोटीन का नंबर आता है। इसलिए जो लोग भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, या किसी भी स्थिति खाना नहीं मिल पा रहा, 10-12-15 दिन तक भी लग जाता है उनकी मृत्यु में। कुछ लोग तो ऐसा होता है 2-2 महीने तक भी बिना खाए जिंदा रह लेते हैं, डिपेंड करता है बॉडी में। हाँ ये जरूर है डिहाइड्रेशन ना हो, पानी मिलता रहे, ठीक है, गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी की वजह से मर सकता है, लेकिन बॉडी में यदि ये चीजें हैं हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए उससे मर जाए, ठीक है, लेकिन ये हमारा स्टोर्ड फूड है, हमें कई दिन तक जिंदा रहने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। ऊर्जा जिगर और मांसपेशियों में जमा होती है, जिगर यानी यकृत। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में स्टोर हो जाती है, अभी जो हम पीछे बता रहे थे ग्लाइकोजन। अब इनमें से किसके रूप में, यानी ग्लाइकोजन का कौन सा रूप है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, किसके रूप में होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, अभी पीछे बताया था ग्लाइकोजन इसका जवाब होगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। देखो हाँ, अब इसमें क्या है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, यदि ये ना होता, नन ऑफ द अबव होता तो कार्बोहाइड्रेट सही होता, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो ये, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत तरह के होते हैं, सेलुलोज भी आ जाएगा उसमें, स्टार्च भी आ जाएगा, लेकिन इसलिए ये आंसर ये सही होगा, ये नहीं होता, नन ऑफ द अबव होता या इसकी जगह विटामिन या मिनरल होता या कुछ और होता, तब हमारा कार्बोहाइड्रेट भी सही होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो कई तरह के होते हैं, राइबोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पेंटोज सुगर है, और उसमें स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, इसलिए ये वाला हमारा ज्यादा सही है, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर को ही हम टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउज एंड बफेलोज टू मेक द मिल्क डिसेंड टू द अडर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये यूपीपीसीएस 97 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गाय और भैंसों में किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है दूध, जिससे कि स्तन तक उतर सके। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे गांव में कितनी जगह पर आप में से कई विद्यार्थियों ने इंजेक्शन लगाया भी होगा, जब गाय भैंस का बच्चे की डेथ हो जाती है, अक्सर गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है, ऐसी स्थिति में उनके एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन के लगा देने से इतना ज्यादा हाईली इफेक्टिव होता है, मिल्क रिलीजिंग होता है, जिससे कि मिल्क नीचे इकट्ठा हो जाता है उसके स्तनों में, वहां से फिर उसे हम हाथ से या मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन है। तो आप में से जवाब देना शुरू कर दिया होगा, आप में से बिल्कुल सही आ गया जवाब, बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल विवेक ने दिया है, बबीता ने दिया है, रंजना ने दिया, आर के सिंह ने, रुचि ने दिया है, विकास ने दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है, ये मिल्क रिलीजिंग, और यही है बर्थ हार्मोन भी यही है। बर्थ हार्मोन भी यही है, बच्चे को जन्म कराने के लिए जो लगाया जाता है, इसके इफेक्ट से 1-1.5 घंटे के अंदर कोई भी मां बच्चे को जन्म दे देगी, जिसका जन्म देने का समय नजदीक आ चुका है, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है, तो इसी का इंजेक्शन लगाकर मां से बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को थोड़ा सा क्विक करा दिया जाता है। जैसे मान लो अपने आप होगा तो बच्चे को मां उस समय 10-12-15 घंटे तक एक लेवर पेन जो दर्द की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यहां पर जो 10 घंटे वाला काम है वो 1 घंटे के अंदर करा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरोक्सिन। इनमें से कौन सा हार्मोन है
जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सीक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन। ठीक है, अब ये TSH है, FSH है, LTH है, ACTH है, तो इनमें से जवाब आप लोगों ने देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, जैसे ये है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक, ये है ल्यूटियो ट्रॉफिक, ये है पूटिकाएं, हिंदी में लिख दिया है मैंने पूटिकाएं प्रेरक हार्मोन, और ये है थायराइड थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये वाला सही जवाब है। TSH ये पिट्यूटरी से निकलता है जो थायराइड ग्लैंड पे जाकर के एक्शन करता है और कौन सा हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन निकलना आरंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। ओके, इसका जवाब भी आप सभी दे दोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन जिसमें पाया जाता है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जिसके अंदर आयोडीन उपस्थित होता है। ठीक है, आयोडीन पाया जाता है थायरोक्सिन में, इसमें ये दो तरह का होता है T3 और T4, 3 और 4 है आयोडीन के परमाणु की संख्या को, 3 और 4 उसको दिखाया हुआ T3 और T4। तो आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट की हम जो बात करते हैं इसी हार्मोन के निर्माण के लिए की जाती है। जो नमक हम खाते हैं NaCl में मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडेट टू मेक इट आयोडाइज्ड, पोटेशियम आयोडेट इज मिक्स्ड इन कॉमन सॉल्ट में टू मेक इट आयोडाइज्ड। डायरेक्ट आयोडीन को नहीं मिला सकते, आयोडीन तो येलोइश ब्राउन होती है, नमक का कलर ही चेंज हो जाएगा, और इसका जो कलर होता है इसका कलर तो सुपर वाइट होता है, इसीलिए जो मार्केट का पिसा हुआ नमक आता है बिल्कुल सफेद दिखाई देता है, और जबकि हम समुद्र से निकाले गए नमक को हम यदि साबुत हाथ तोड़े तो उसे वो बहुत डार्क कलर का रहेगा, कई तरीके से बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं उसमें, तो साफ करके उसके अंदर ये मिला दिया जाता है जिससे आयोडीन की पूर्ति हो जाए और ये जो नमक है बिल्कुल ये वाइट कलर का दिखाई देने लगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट कंसेप्ट, ऐसा है देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो मुश्किल समय में बनते हैं, मुश्किल समय में बनते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे वो मुश्किल समय में हमारा साथ भी देते हैं। अब इसमें से जैसे ये बताया है कि इसमें कि फाइट और फ्लाइट, लड़ने और भागना, हम जब मुसीबत में होते हैं किसी डेंजर में होते हैं पहले तो हम भागने की कोशिश करते हैं, या हम भागने का समय नहीं है या स्थिति नहीं है, हो सकता है कि हम लड़ने में भी विश्वास करें, लड़ना पड़ता है अपने जान बचाने के लिए मुसीबत के समय, दो ही चीज होती है लड़ना है भागना। ठीक है, किसी भी एनिमल को हम पीछे मारने भागते हैं उसके तो डर के वो भागता है, कई बार डॉग हो बिल्ली हो बंदर हो ये हमें और डराने लगता है, हम फिर वापस आ जाते हैं, नहीं ये तो बंदर तो हम पर भी अटैक कर सकता है, तो ये हिम्मत कहां से आती है, तो ये सारी चीजें जो होती है हिम्मत हमारे हार्मोनल आती है, और या जैसी इसे ट्रेनिंग दी जाती है
देखो आप में से कितने बच्चे हमारे पास इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप में से कई बच्चे बहुत मतलब एक तरह से निडर होंगे और कई बहुत डरपोक होंगे। कई बच्चे कॉकरोच से, छिपकली से, बिल्ली से, बंदर से, इन सब से डरते होंगे और कई ऐसे होंगे इनसे नहीं डरते होंगे। तो हमारी सबकी प्रवृत्ति, हम जहां हम ग्रो अप हुए हैं वो सारी चीजें हमारे फैमिली के उसमें आती हैं, जैसा सिखाया जाता है वैसा ही हम डरपोक भी बन जाते हैं और निडर भी बन जाते हैं। लेकिन जहां हमें लगता है हमें नुकसान पहुंच सकता है तो वहां निडर भी हम अपने आप को कहें तो कोई बात नहीं है, हमें वहां से डेंजर से भागना भी पड़े, हम निडरता ना दिखाएं, टाइगर लाइन आ गया और हमारे पास भागने का टाइम, हम कहें देख लेंगे हम क्या होगा, नहीं कोई फायदा है ऐसा देखने से, वहां से भागना ही होगा। तो भागने की इन सब की हिम्मत कौन देता है, वो देने वाला हार्मोन है ये एड्रीनेलिन हार्मोन, हमें इसीलिए इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको तैयार करना, मुश्किल समय में, ठीक है बच्चों आप समझ गए होंगे, दोनों टाइप के हैं, बिल्कुल सही है। सिवली साहब ने बता दिया कि हम दोनों टाइप के हैं, बिल्कुल सही है। सभी का अलर्ट, डरना भी जरूरी होता है, यही तो होता है असेसमेंट करना। अब ट्रेन आ रही है, हम देखें नहीं नहीं ब्रेक लगा लेगा, आगे खड़े हो जाएगा, मैं तो डरता ही नहीं हूं, ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करना कि ड्राइवर ब्रेक लगाएगा आपको अकेले को देखकर। नहीं, जहां बल्क में हजारों लोग होते हैं ड्राइवर को पता चल जाता है ऐसे ऐसे लोग जो है पटरी पे बैठ गए हजारों लोग, तब होता है। ध्यान हो लास्ट ईयर अमृतसर में ऐसा ही हो गया था, 2 साल पहले दशहरा वाले दिन बहुत सारे लोग रावण को देखने के लिए उस पर पटरी पे जाकर बैठ गए, उसने हॉर्न भी दिया, इमरजेंसी ब्रेक लगाने का इतना टाइम है, मुड़ करके ट्रेन आ रही थी, वो दिख नहीं रहे थे उसे, और वहां करीब 30 से 40 लोग की डेथ हो गई थी। और उस ड्राइवर ने, जो ट्रेन का ड्राइवर हो शायद कुछ बच्चों को पता होगा, उस ड्राइवर ने आत्मग्लानि के कारण के मुझसे इतने लोगों की डेथ हो गई कि मैं टाइम से ब्रेक क्यों नहीं लगा पाया, उसने सुसाइड कर लिया था। शायद आपको कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होगा, उसे मतलब सब लोगों ने यही कहा घर पे भी कि ब्रेक लगा देना चाहिए था, बोले मैं तो हॉर्न नहीं रहता, मुझे लग रहा है जाएंगे, हॉर्न लोग सुन नहीं पाए क्योंकि उसी समय रावण में जो आग लगी थी उसमें जो बम छूट रहे थे उसके बम की आवाज में, क्रैकर्स की आवाज में ट्रेन का जो हॉर्न था वो दब गया। तो इसीलिए हम ड्राइवर को ब्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने इतनी आत्मग्लानी महसूस करी कि वो उसने जो है मतलब सुइसाइड करना, फांसी लगा के उसने आत्महत्या कर ली थी अपनी, ठीक है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, इंटरनेट पे दिया गया उसमें, ठीक है, और पढ़ा भी होगा शायद कुछ लोगों को, ध्यान भी होगा इस चीज के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में, 2002, 2001 में, ठीक है, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अब देखो, किस हार्मोन का स्राव हृदय की धड़कन बढ़ाता है और उत्तेजना की भावना पैदा करता है, ठीक है। अब इसमें पिछले क्वेश्चन से संबंधित हो गया, इसका जवाब भी अब हम बहुत ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं बची, इतना तो हम समझ गए। हृदय का डेंजर सिचुएशन में, ठीक है, चाहे वहां से हम डर लग रहा है या डर से भाग रहे हैं या लड़ाई करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को आप, ये बहुत सारे सेंस हैं इसको, केवल उसी लव एंगल से मत देखना कि लव को देख करके एक्साइटमेंट, वो नहीं, ये ओवरऑल दे रखी है। एक्साइटमेंट तो पढ़ाई का भी होता है, एक्साइटमेंट तो कहीं भी हमारे हिल स्टेशन जाते हैं वहां भी अच्छा लगता है यार, बड़ा एक्साइटमेंटिंग वो इस तरह का हिल्स और ये सब बहुत जगह यूज करते हैं, तो इसका जवाब भी एड्रेनालाइन होगा, ध्यान रहे। तो यही है ऐसा हार्ट बीट, और हार्ट बीट पढ़ना ये सब करना हमारे कंट्रोल के लिए ही होता है, जिससे कि हम उसमें तैयार रहें उस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जवाब सभी बच्चे दे रहे हैं, आज से अब कभी क्लास नहीं ले पाऊंगा, सॉरी दोस्तों। भाई ऐसा क्यों, डर लग गया क्या बच्चे, ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं। ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड, मानव शरीर इनमें से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड है, ये ग्लैंड ये अलग अलग है, स्वेट जी इसका, इसके आ गया पसीना की ग्रंथि, यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथि और किडनी।
डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड वो होती है नलिका विहीन जो चारों तरफ से बंद होती है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। लीवर में तो आपने देखा होगा उसमें तो गॉल ब्लैडर होता है, उसमें तो इकट्ठा होने के लिए इस तरह के ट्यूब लगी होती है उसमें तो, ठीक है, ये नहीं है। स्वेट ग्लैंड में तो अपने आप में ही छोटी छोटी नलियां होती हैं जो हमारी स्किन पर खुलती हैं और चेहरे पर हम देखा पसीने की बूंद भी इकट्ठी हो जाती है, इतनी तेजी से पसीना निकलता है, हथेली तक पर भी पसीना आ जाता है, तो ये भी नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हैं, ये वाली यही सही है। किडनी में भी यूरिन के निकलने की जगह होती है ये, बाकी जो विद डक्ट ग्लैंड्स हैं और डक्ट वाली यहां नलिका विहीन को कहते हैं एंडोक्राइन और डक्ट वाली ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन नलिका युक्त, नलिका युक्त, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे ही रहे होंगे आप सब, ठीक है। सी 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 सी, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आप समझ गए। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में नली वाली, इसके अंदर एक्सोक्राइन में लिवर भी आ गया, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी आ जाएगी, इंटेस्टाइन की ग्लैंड भी आ जाएंगी, ये सब इसके अंदर जिनमें नली है, सेलेवरी ग्लैंड भी आ जाएगी, लार ग्रंथि नली वाली होती है सब। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन है रक्त और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है, फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट को। ग्लूकागोन है क्या? क्या ग्रोथ हार्मोन है? क्या थायरोक्सिन है? नहीं, ठीक है, इसमें ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो ये जवाब है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसे शॉर्ट में हम पीटीएच कहते हैं, पीटीएच। इसी का संबंध कैल्शियम और फास्फोरस के रेगुलेशन से है, कैल्शियम और फास्फोरस के रेगुलेशन से इसका संबंध है, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ गए इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन 2007 में आईएएस यानी सिविल सर्विसेज में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी जवाब दे दिया होगा सभी बच्चों ने, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इनमें से यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड है और आमाशय है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी में है यकृत। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, और लिवर कैसी ग्लैंड है? अभी पीछे जो आया था वो भी हम ध्यान रखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन का मतलब नलिका युक्त, और जिसका काम है टू प्रोड्यूस बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण करना। काम तो और भी बहुत सारे हैं, और भी है ये विशेष रूप से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। यूपीपीसीएस 96 में क्वेश्चन बाद में भी आया है, लेकिन एक ही मेंशन किया हुआ है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है इनमें से। और ये सब जो स्मॉलेस्ट जो पूछा गया है, इसमें से एडिनल, थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, तो ये है पिट्यूटरी, ठीक है। बहुत बच्चों ने जवाब दे दिया, अंजलि ने दिया है, लक्ष्य ने दिया है, आर के सिंह ने, ठीक है, नेगी ने दिया है, दीप ने दिया है, ए के सिंह ने,
रंजना ने, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। नेक्स्ट इसका जवाब भी आप दे दोगे। यूपी पीसीएस 1999 में आया हुआ है, शरीर के किस भाग में पित्त उत्पन्न होता है, यानी बाइल जूस कहां बनता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लिवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज में? लिवर को जिगर, यकृत भी इसी बोलते हैं हमें, यकृत, तिल्ली इसी को हम प्लीहा बोलते हैं, पित्ताशय, पित्त की थैली भी कहते हैं इसको हम, पित्त की थैली, अग्नाशय, ठीक है, ये आ गया, यकृत, प्लीहा, पित्त की थैली, अग्नाशय। तो बाइल इज प्रोटीन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कहां पर बनता है बाइल जूस? बनता है यहां पर, यकृत के अंदर। और यदि ये आ जाए कि कहां पर स्टोर होता है, स्टोर्ड इन, तो जवाब होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में, पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये भी जवाब दे दिया होगा आपने, तो इसका लीवर होगा, ठीक है। ध्यान रहे, ये बहुत गलत हो जाता है बच्चों से, कई बार बाइल का संबंध हम गॉल ब्लैडर से ज्यादा समझ लेते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन अलग है, कहां बनता है, कहां स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद रिलीज भी इसी में से होता है, इसी से निकल करके आएगा, ये तो भरा रहता है हमारा। नेक्स्ट, व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट, हमारे शरीर में क्या, किसका इंजेक्शन है, क्या छोड़ देती है हमारी बॉडी में, क्या रिलीज कर देती है? ग्लेशियल एस्टिक एसिड, मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, स्टियरिक एसिड। तो ये भी आप जवाब दे दोगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, चाहे मधुमक्खी का हो, चाहे चींटियों का हो, तो इनमें से कौन सा एसिड वो हमारे बॉडी में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से काफी पेन होने लगता है, और चींटियां सी कदा स्वेलिंग भी आ जाती है, फीवर तक भी आ जाता है। यदि बहुत ज्यादा मधुमक्खियां काट लेती हैं तो वो जानलेवा भी हो जाता है, तो इसमें से क्या छोड़ देती है हमारे बॉडी में? ये बिल्कुल सही है, फॉर्मिक एसिड, सही जवाब आ गया, फॉर्मिक एसिड, ये आ गया, जिसे हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इनमें से हमारा कौन सा भाग हमारे शरीर के तापमान को, यानी थर्मोरेगुलेशन सेंटर ऑफ बॉडी, ये इसके लिए वर्ड बहुत अच्छा है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर ऑफ बॉडी, शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? हृदय है, हाइपोथैलेमस है, लीवर है, किडनी है? एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और बाद में भी आया, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सही बता दिया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, इसका जवाब दो,
द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या है, सामान्य मानव शरीर का तापमान है कौन सा होगा? ये 98.4 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.8 डिग्री फारेनहाइट, नन ऑफ द अबव। देखो कौन बच्चा जवाब देता है इसका पहले। बेटे ये तो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। ठीक है आप समझ गए क्या गलती हो रही है कि थोड़ा सा ही तो है। अरे भाई जब नन ऑफ द अबव दे रखा है तो हमें वही चुनना पड़ेगा। ठीक है समझ गए बच्चों, ये कई बच्चों का गलत हुआ होगा आप में से। ये कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, कोई नहीं लक्ष्य, कोई बात नहीं है। ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट पे हम सही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। ये गलत नहीं होना चाहिए अब ये गलत नहीं होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 केल्विन, नन ऑफ द अबव। ठीक है तो आपने जवाब देना शुरू कर दिया है, बहुत बच्चों ने दे दिया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यस इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों तो झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते ही हैं और इसीलिए हम बार बार आपसे ये प्रैक्टिस कराने का मतलब क्या होता है कि हमसे छोटे आसान क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, इन्हीं से सिलेक्शन पे फर्क पड़ता है। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया, रेयर ऑफ रेयरेस्ट मेजॉरिटी में वो बच्चे क्वेश्चन उसको छोड़ करके आते हैं, रिस्क नहीं लेते कहीं गलत ना हो जाए, नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रहे जितने भी आसान क्वेश्चन आते हैं वो हमसे गलत किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हमारी सबकी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेप फॉर्म इज ए हर्मेफ्रोडाइट, राउंड वॉर्म हैज ए सेपरेट सेक्स, फैलेरिया इज कॉज्ड बाय नेमेटोड, गिनिया वॉर्म इज एन एनिलिड। ठीक है तो अब आप ये देखो इसमें टेप वॉर्म हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट कौन से होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी, एक साथ दोनों नर और मादा जिसमें एक साथ प्रेजेंट हो। जो टेप वॉर्म होता है मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही होते हैं, उनके ऑर्गेन पास पास होते हैं, अपना जनन अपने आप कर लेते हैं, उन्हें किसी की मदद की लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं आपको इसी का, ऐसे करके उसमें सेगमेंट्स होते हैं, यहां पर हिस्सा फीमेल है और यहां पर ये वाला हिस्सा मेल है, तो ये घूम करके इसी के पास पहुंच जाता है, अपना जनन ये अपने आप कर लेते हैं, प्रकृति ने इनको ऐसा दे दिया है। ठीक है और बाकी हम जानते हैं मेजॉरिटी में ज्यादातर होते हैं मेल और फीमेल, सब अलग अलग होते हैं। राउंड वॉर में मेल फीमेल नर मादा अलग अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग अपना साथी की तलाश करते हैं। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय ये नेमेटोड, बिल्कुल सही है। गिनिया वॉर्म इज एन एनलिड, नो। तो कौन सा 1, 2, 3 वाला ऑप्शन ठीक है? ये वाला बी। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम।
आइडेंटिफाई पैरासाइट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा परजीवी है, इनमें से पिचर प्लांट, अमरबेल, ब्लैडरवर्ट, सूरजमुखी, परजीवी। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे किसी जीव पर रहते हैं, खाते हैं और वहां जनन करते हैं। देखो पैरासाइट का, परजीवी का मतलब होता है फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग, भोजन, आवास और जनन। भोजन, आवास और जनन, फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, तीनों चीजों के लिए दूसरे पर निर्भर करे। पिचर प्लांट ऐसा है? नो। सनफ्लावर ऐसा है? नो। ब्लैडरवर्ट ऐसा है? नो। ये है अमरबेल। अब आप समझ गए होंगे, आपने पीले रंग की एक बिना पत्तों की, इसके अंदर कसकुटा के अंदर नो लीफ, नो क्लोरोफिल, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जिस प्लांट पर रहती है उसी से रिश्तेदारी करके उसी से वाटर, मिनरल्स और फूड का एब्जॉर्प्शन ये करती रहती है। ठीक है, तो कसकुटा अमरबेल आपने देखा होगा, जिस भी पेड़ पर डाल देते हैं उसे ये मतलब काफी कमजोर कर देती है। हालांकि जो आइडियल पैरासाइट होता है, आइडियल पैरासाइट कभी भी होस्ट को मारेगा नहीं। यदि होस्ट मर जाएगा तो खुद भी तो मर जाएगा। वॉर्म्स हो जाते हैं हमारे पेट के अंदर, कीड़े बचपन में आप में से कई बच्चों के हुए होंगे। इस अक्सर जो ये वाला जो था ना, पीछे वाले क्वेश्चन में आ रहा था जिसमें एस्केरिस आया था, राउंड वॉर्म, इतने बड़े बड़े वॉर्म्स हो जाते हैं, आप में से कई बच्चों के बचपन में हुए होंगे। शायद किसी ने गिन के भी बताए हो, मम्मी आज तो 12 निकले, आज 15 निकले हैं। आप में से भी कोई ना कोई ईमानदार बच्चा होगा जो कमेंट करके बताएगा, हाँ जी बचपन में निकले थे और गिन भी लिए थे। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधा जो मूल पौधों की तरह पैदा, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखाई दे, सारे गुण पेरेंट्स के हों। प्लांट्स आर फॉर्म लाइक पेरेंट, बिल्कुल जैसा मेन प्लांट है उसकी तरह दिखाई दे, मूल पौधे की तरह, सारे गुण वही हों, जीन सारी वही हो। बीज से पैदा होने वाला है, तने को काटकर पैदा करने वाला, ये दोनों है नन ऑफ द। इनमें से किस मेथड से हम कह सकते हैं जो प्लांट्स आर फॉर्म मींस प्लांट्स की तरह, मतलब पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं? बीज से? नो। स्टेम कटिंग? यस। जैसे गन्ना, गन्ना गन्ने को हम देखें, जैसे देखा हो तो गन्ने को जब काट के बोते हैं हम, तो जो पौधा बनेगा वो पेरेंटल प्लांट की तरह ही होगा। गुलाब है, हम काट के लगा देते हैं उसका तना, और भी कई सारे पौधों में ऐसा ही कर देते हैं, जो स्टेम कटिंग के द्वारा तने को काट कर लगाए जाते हैं वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। बिल्कुल 28 का बी। ठीक है बच्चों, 20 का जवाब होगा। सीड से नहीं होंगे, सीड में तो क्या होता, सब सीड थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सीड को बनने में, तरह तरह के पॉलन, ग्रेन और एग का आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे हम सब बहन भाई एक जैसे नहीं होते अपने घरों में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, हम अलग अलग होते हैं, ऐसा ही बीज से बनने वाला जीन के आधार पर उसमें थोड़े थोड़े अंतर मिलेंगे। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है कि दो का डीएनए एक जैसा नहीं होता, इसलिए दो बीज का भी डीएनए एक जैसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। इन पौधों में से किसके तने को काटकर बोया जाता है? बोगेनविलिया, कार्नेशंस, कोको, अंगूर। इन चार ऑप्शंस हो गए किसको तने को काटकर बोना। अक्सर देखा होगा आपने अंगूर की बेल में छोटा सा हिस्सा लेते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, बेल चल जाती है। कोको से भी चल जाता है, बोगेनविलिया से भी चल जाता है और कार्नेशन से भी, चारों के। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट यानी हमारा 30th लास्ट क्वेश्चन।
निम्न कथनों पर विचार करें। स्वीट ऑरेंज पौधे को ग्राफ्टिंग तकनीक द्वारा प्रसारित किया जाता है। जास्मिन प्लांट है प्रोपेगेट बाय लेयरिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये तो दो पॉइंट दिए हैं। स्वीट ऑरेंज प्लांट भी और जास्मिन प्लांट भी, इसको स्वीट ऑरेंज को हम ग्राफ्टिंग से बोते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राफ्ट में दो प्लांट को मिला करके बनाया जाता है। लेयरिंग में क्या होता है, उसकी किसी ब्रांच को लेकर जमीन में दबा देते हैं, उसी ब्रांच से नया पौधा निकल आता है, उस मेथड को लेयरिंग कहते हैं। उससे जड़ निकल जाती है, जड़ को जमीन में टच कर दो, नया पौधा बन जाता है। दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बोथ वन एंड टू आर राइट। तो देखो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस आपके साथ हो गए। मैं उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों ने इन सब को फॉलो करा होगा। अब मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अब आप ऑफलाइन कमेंट करके आप ये जरूर बताना, आप में से 30 में से किस किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन करे। अपना असेसमेंट तो कर ही लिया होगा, हमें भी पता लगे कि किस विद्यार्थी ने 30 में से, देखते हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हों 30 out of 30 ले, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ऑफलाइन कमेंट करके ये जरूर बताना। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म हो रही है। ठीक है, एट द एंड में यही कहूंगा, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, लाइक जरूर कर दें और इसके बारे में जानकारी हमारे इन बैचेस की और बच्चों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और जो ऐप पर हमारे ठीक है एडमिशन जो पेड बैचेस हैं उनके बारे में भी जरूर विचार करें, क्योंकि पेड बैचेस में हम सब इतने बंद जाते हैं कि हम टाइम से जरूर आएंगे और वहां जितनी क्लासेस होती है हम सबको फॉलो करेंगे। तो एट द लास्ट में यही कहूंगा, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें, कल फिर आपके साथ हम नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय एग्जामपुर बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं कि किस किस बच्चे के कितने, मैं कल लाके फिर देख लूंगा आप में कौन कौन बच्चे हैं, तो पता तो लग ही जाएगा, नाम तो हमें याद होते ही जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।